मैं सूरज चौहान इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आप लोगों के बीच फिर से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है किरचॉफ का नियम, यानी किरचॉफ का लॉ होता क्या है और किरचॉफ का नियम का यूज कैसे करते हैं और किरचॉफ का नियम को पहचाने कैसे, इसमें करंट लॉ क्या होता है, वोल्टेज लॉ क्या होता है, इस पर कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आज हम समझेंगे किरचॉफ का नियम होता क्या है। किरचॉफ को नियम को लेकर के बच्चों के बीच जो बहुत चर्चा रहती है, किरचॉफ का नियम को कैसे सॉल्व, कैसे पहचाने, कैसे याद करें, तो कोई याद करने की चीज़ नहीं है। सिंपली भाषा में इसे समझने की जरूरत है, याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इसे समझने की जरूरत है कि आखिर ये होता क्या है और इसमें नियम कहता क्या है। इसे याद नहीं किया जाता है, किसी भी वैल्यू किसी भी चीज़ को हम याद करें या समझें तो अच्छा रहता है। इसलिए आप लोगों को इसको एक सिंपली भाषा में समझाएंगे। तो आइए देखिए क्या है। किरचॉफ के दो नियम थे, किरचॉफ ने पहला है सिंपल शॉर्ट में कहते हैं केसीएल, और शॉर्ट में कहते हैं केवीएल। ठीक है, केवीएल केसीएल बोल देते हैं सिंपली भाषा में। केवीएल क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ, और केवीएल क्या होता है, सॉरी केसीएल होता है किरचॉफ करंट लॉ, और केवीएल होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो आइए समझते हैं केसीएल। सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा है केसीएल, केसीएल समझते हैं, किरचॉफ का धारा नियम बोलते हैं इसको। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं किरचॉफ का धारा नियम, और इंग्लिश में बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, क्या कहता है, किसी भी विद्युत परिपथ के किसी नोड या जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। ठीक है, देखो ये एक नोड है, एक जंक्शन है, इस पे धाराएं देखो आ रही है जा रही है। ठीक है, क्या कहता है, किसी भी जंक्शन पर कोई सा भी नोड ले लो, या भी नोड बना देखो, किसी भी जंक्शन पर आने वाली धाराओं तथा यानी मिलने वाली धाराएं भी जा रही है, जंक्शन से जा रही है, इसलिए हम कहते हैं किसी भी जंक्शन पे आने वाली धारा या जाने वाली धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है, सिग्मा आई इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसमें देखो धारा क्या दे रखी है, आई वन आई टू आई थ्री, ये क्या हमारी ये जंक्शन पे अंदर जा रही है और ये जंक्शन से आउटर बाहर निकल रही है। तो जंक्शन पे आने वाली धाराओं को पॉजिटिव लेते हैं तथा जंक्शन से बाहर जाने वाली धाराओं को नेगेटिव लेते हैं। देखिए क्या हो गया, I1 plus I2 plus I3 equal to I4 plus I5 plus I6। ठीक है, I1 plus I2 plus I3, अब इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, minus I4 minus I5 minus I6, क्या कहता है, सिग्मा I बराबर जीरो। और दूसरा नियम क्या है किरचॉफ का, किरचॉफ का दूसरा नियम है वोल्टेज नियम, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किसी भी बंद विद्युत परिपथ क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में बहने वाली विद्युत धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल उस परिपथ में लगाए गए विद्युत वाहक बल का बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है। किसी भी, ये देखिए एक इलेक्ट्रिक लूप है, इलेक्ट्रिक सर्किट लूप है, ये पूरा क्लोज लूप है, इसमें जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, इक्विपमेंट लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, उसमें बहने वाली धाराओं का बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर, यानी जो इसमें करंट बह रहा है और रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उन सभी का योग किसके बराबर होता है, वोल्टेज के बराबर, या उसमें जो विद्युत वाहक बल लगे हुए हैं उनके योग के बराबर होता है। एक बात बताइए आप मान लीजिए इस नाली से, एक नाली समझ लीजिए, सिंपल समझाते हैं आपको, एक नाली है। ठीक है, अब इसमें पानी कितना डालोगे, पानी इतना फ्लो करा रहे हो उतना ही तो पानी जाएगा, चाहे आप चार जने इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, चार जगह डिवाइड करो तो इसी नाली से होकर तो पानी जा रहा है, एक ट्यूबवेल से तुमने पानी लिया तो पानी जो तुम डिवाइड कर रहे हो तीन जगह, उससे क्या मतलब है, फर्क पड़ता है, लेकिन पानी तो उतना ही जा रहा है। तो इसीलिए इसमें ऐसा कहता है कि इसमें जो विद्युत वाहक बल यानी कि जो वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं, मान लो कि 5 वोल्ट के हैं तो 5 वोल्ट ही तो फ्लो करेंगे इसमें, न कि ज्यादा करेंगे, बस वो डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, वोल्टेज सोर्स के हमारे विद्युत वाहक बल हमारे दे रखा है वी वन और क्या है वी फोर इक्वल टू क्या है वी टू प्लस वी थ्री प्लस
वी फाइव, ठीक है। और देखो ये दोनों नहीं, ये विद्युत वाहक बल को हम ई से भी प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और बी को भी बी से भी प्रदर्शित करते हैं, जो वोल्टेज सोर्स है हमारा उसको बी से या ई से भी विद्युत वाहक बल को हम डिफाइन करते हैं, शो कर दिखाते हैं। इसलिए हमने ये दोनों लिख दिया, हमने ई भी लिख दिया और बी भी लिख दिया, ये दोनों इक्वल वैल्यू है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करिए, मैं आप लोगों को पूरी समझाने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।